बिग बॉस सीजन 18 के घर में वीकेंड का वार शुरू हो चुका है। वीकेंड के वार शुरू होते ही खतरों के खिलाड़ी के कंटेस्टेंट करणवीर मेहरा के सबसे अच्छे दोस्त कश्मीर महाजनी ने बिग बॉस सीजन 18 के घर में चल रहे गेम पर तोड़ी चुप्पी। करणवीर को दिया सबसे बड़ा सपोर्ट, बता दी अपनी टॉप 5 रैंकिंग। आया सबसे बड़ा शॉकिंग रिएक्शन, 5th पोजीशन पर नाम सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक दोस्तों। बिग बॉस सीजन 18 के घर में एक तरफ तो बरस रही हैं, गरज रही हैं फराह खान, और दूसरे तरफ बरस रहे हैं करणवीर मेहरा के फैंस। ऑडियंस जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड चला रही है बिग बॉस किंग करण और साथ ही साथ द करणवीर मेहरा शो। अब तो देश दुनिया में चर्चा हो चुकी है करणवीर मेहरा की, करणवीर मेहरा शो के नाम से जाना जा रहा है ये सीजन। और तो और गाइस, वैसे मैं आपको बता दूं कि हद तो तब हो गई, सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो तब आई, सबसे ज्यादा शॉकिंग ही नहीं मैं कहूंगा कि झटका लगा है, 440 वोल्ट का झटका विवेंट सेना को, जब लेजेंड सिद्धार्थ शुक्ला जिन्होंने अब तक इतिहास बना रखा है बिग बॉस सीजन 13 का रिकॉर्ड, कोई भी सीजन ब्रेक नहीं कर पाया है, यह अनब्रेकेबल सीजन था। और इस सीजन में कंपेयर कर दिया है करणवीर मेहरा को फराह खान ने सीधा सीधा सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। फराह खान ने कहा कि सिद्धार्थ को भी लोग इसी तरह से टारगेट कर रहे थे, मुझे याद आता है करण को देख के कि करणवीर मेहरा को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है ऐसा ही कुछ टारगेट जा रहा था उस समय सिद्धार्थ शुक्ला को, और रेस्ट इज द हिस्ट्री। सिद्धार्थ शुक्ला ने वो सीजन जीत कर सभी को मुंहतोड़ जवाब दिया था। अब फराह खान ने यहां पर जब कंपैरिजन किया है करण से, तो जाहिर सी बात है उनकी सबसे बड़ी रिवाइलरी विवेन डिसेना के साथ है। सभी को पता है कि ये गेम में सभी लोग प्यादे हैं, लेकिन हुक्म का इक्का दो ही है, एक करणवीर मेहरा और विवेन डिसेना। लेकिन फिलहाल के लिए जिस तरीके से करण का गेम जा रहा है, जाहिर सी बात है कि हर तरफ से करण को सपोर्ट मिल रहा है। अब खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 के कंटेस्टेंट और करण के सबसे अच्छे दोस्त रह चुके कश्मीर महाजनी का आ गया है सबसे तगड़ा रिएक्शन। कश्मीर महाजनी जो है वो बिग बॉस के सेट पर जाने से पहले कश्मीर ने दिया है सबसे बड़ा खुलासा। बिग बॉस के बारे में पूछा गया कश्मीर से कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हो, कश्मीर ने कहा कि इस समय मैं बहुत ही कम समय मिल रहा है बिग बॉस को देखने का, लेकिन हाँ यस आई एम वॉचिंग बिग बॉस और मैं इस सीजन को एंजॉय कर रहा हूं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह है मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई करणवीर मेहरा की वजह से इस शो को देख रहा हूं, और मुझे प्राउड फील होता है करण को मेरा भाई बोलने में। करण वाकई में बहुत ही अच्छा इंसान है, मैंने बहुत समय करण के साथ गुजारा है, मुझे पता है कि करण जो है वो जेन्यून है, वो फेक नहीं है। जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है करण को लेकर कि करण बहुत ही ज्यादा निहायती बदतमीज है, बिलो द बेल्ट जाता है, उसे बोलने की तमीज नहीं है, वो बदतमीजियां करता है, वो तो घटिया इंसान है, उसे घर से निकाल देना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि कितनी बुलिंग की जा रही है करण की, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, करण में पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा है। अब तक लोगों ने विवेन का पेशेंस देखा था ना, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि विवेन का पेशेंस कुछ भी नहीं है करण के सामने। आप करण को देखो, विवेन को कौन टारगेट करता है, मैंने जितना भी देखा है मुझे पता है कि विवेन को बहुत ही कम लोगों ने टारगेट किया है, लेकिन आज विवेन डिसेना, अविनाश मिश्रा, ईशा सिंह, रजत दलाल, तेजिंदर बग्गा, श्रुतिका, घर में सभी लोग शिल्पा और चुम को छोड़कर, इवन मैं शिल्पा के भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि शिल्पा भी डबल ढोलकी है। कश्मीर ने कहा कि लेकिन चुम को छोड़ दिया जाए तो हर कोई करण को टारगेट कर रहा है। और मेरे लिस्ट में जहां तक बात है टॉप 5 की, तो इस लिस्ट में मैं चाहत पांडे को देखता हूं टॉप 5 में। चाहत पांडे डिजर्व करती हैं और वो जरूर आएंगी टॉप 5 में। चाहत को मुझे लग रहा है कि साइडलाइन किया जा रहा है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि चाहत पांडे को एक मौका जरूर मिलेगा। और चाहत बहुत ही स्ट्रांग कंटेस्टेंट है, वो किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इस समय घर में दो गुट बन चुके हैं, एक है करण का, दूसरा है विवेन डिसेना का। और इकलौती चाहत एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, उसके बावजूद भी वो टिकी हुई है, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। फोर्थ पोजीशन पर मैं शिल्पा को रखता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि शिल्पा बहुत ही बड़ी मैनिपुलेटर है, वो विवेन और करण दोनों का यूज कर रही है, और डेफिनेटली वो टॉप 5 में तो जाएंगी क्योंकि उनको बिग बॉस का भी एक भारी सपोर्ट है। थर्ड पोजीशन पर बताया है दिग्विजय सिंह राठी को। कश्मीर ने कहा कि दिग्विजय का भी गेम मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है, कई बार उसकी गाड़ी पटरी से उतर जरूर जाती है, लेकिन हाँ दिग्विजय इस समय काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और दिग्विजय
तब से ज्यादा स्ट्रांग हुआ है जब उसने करण का साथ पकड़ा है। इस समय करण का साथ जब वो पकड़ा है, जब लोगों से उसकी दुश्मनी भले हो गई हो, लेकिन हाँ बाहर जनता का प्यार मिल रहा है। मुझे दिग्विजय का गेम काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा है। इसके बाद उन्होंने बताया कि मैं इस लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर रखता हूँ विवेन डिसेना का। यस, विवेन डिसेना जो है वो भले ही बहुत ही बड़े दुश्मन हो करणवीर के, वो ये शो में बन गए हैं क्योंकि मैं करण को जानता हूँ, विवेन भी करण को जानता है, ये लोग 12 साल से दोस्त हैं, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन हाँ, ये शो में एक गेम खेला जा रहा है और विवेन ने ही ये सारी चीजें शुरू की है। करण की तरफ से मैंने हमेशा देखा कि करण ने जो भी बोला है वो बिल्कुल बेबाकी से जवाब रखने में माहिर है। फर्स्ट पोजीशन पर मैं नन अदर देन मेरे भाई को देखता हूँ, करणवीर मेहरा को, और मैं डेफिनेटली आपको ये बात कह सकता हूँ कि करणवीर ये शो जरूर जीतेगा। ऑल द बेस्ट करणवीर, और मैं करणवीर को ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। तो कश्मीर ने अपने तरफ से पहले ही बता दिया है, विनर का नाम कर दिया है रिवील, करणवीर मेहरा को कर दिया है खुलकर सपोर्ट। वेल, आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपिनियन, क्या लगता है आपको, क्या कश्मीर ने ये बायस्ड दिया है रैंकिंग, या फिर आपको लगता है कि जी नहीं, कश्मीर ने ये जितने भी पॉइंट रखे हैं वो बिल्कुल फेयर है। करणवीर मेहरा इस शो में बाजी मारेंगे और डेफिनेटली करण को ये शो जरूर जीतना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, विवेन डिसेना या कोई और या चाहत पांडे हो सकती है शो की विनर। मैं जानना चाहूंगा आप सभी का ओपिनियन कमेंट बॉक्स में, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।